नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के मुद्दे पर आते हैं। कभी सचिवालय में जाम छलकते हैं, कभी बागवानी विभाग में अधिकारी पैक बनाते हैं, तो कभी नगर निगम कार्यालय में पार्टी होती है। मनोहर राज में सरकारी कार्यालयों की बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो सवाल खड़ा कर रही हैं। इन्हें सरकारी कार्यालय कहें या मधुशाला कहें, पानीपत के नगर निगम कार्यालय की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। चौकीदार बाहर पहरा दे रहा है और अंदर जाम छलकाए जा रहे हैं, तो सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जाम छलकाने वाले अधिकारियों को बड़े आराम से बाहर का रास्ता दिखा रही है। ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। ये मुंह छिपाकर भागते लोग, ये शराब की बोतलें, ये है पानीपत का नगर निगम कार्यालय, जहां शाम होते ही जाम छलकने लगते हैं और बाहर चौकीदार पहरा देता है। दरअसल हमारी टीम को सूचना मिली कि नगर निगम कमिश्नर ऑफिस में कुछ अधिकारी शराब पी रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। जब हमारी टीम नगर निगम कार्यालय पहुंची, तो चौकीदार बाहर से ताला लगाकर बैठा था और अधिकारी बिना किसी डर के अंदर शराब का लुत्फ उठा रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर कौन है, ये दारू वगैरह रखी है? दारू नहीं है, ऐसे बैठे हैं सर, ऊपर आराम से बैठे हैं। इस बारे में पुलिस को भी सूचना दी गई। एएसआई नगर निगम दफ्तर पहुँचे और एक के बाद एक अंदर से कुछ लोग बाहर निकले, जिसमें एक नगर निगम का क्लर्क भी शामिल था। तो कहता हुआ था इनके साथ, वैसे सर लोगों ने तो ड्रिंक कर रखी है। नहीं, जो आया तो वैसे भी सर चेहरा आपका बता रहा है, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके मुंह से ड्रिंक हो रही है। शादी थी, हम तो शादी में से आई हुई थी, इससे मिलने के लिए आगे बस। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि नशे में लग रहे इन लोगों को पुलिस अधिकारी ने बड़े ही आराम से बाहर जाने दिया। हमारे पास अभी कंप्लेंट आई थी, मैंने चेक किया तो चौकीदार कह रहा है ये मेरे चार रिलेटिव, और मैंने इसके अलावा मैंने वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं देखी है जो शराब हो या कोई। सर इनका मेडिकल अभी पूछ लेंगे। इस बारे में कमिश्नर साहब से भी बात की गई तो हमेशा की तरह कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बारे में मुझे पता चला था, उसके बाद तुरंत मैंने अपने एक सीनियर अधिकारी उनको यहाँ कार्यालय में भेजा था और उन्होंने मुझे जैसा बताया है प्रणा किसी कि यहाँ जो हमारे चौकीदार रात को रहते हैं उनके कोई जानकारी यहाँ पर पहुँचे थे। और जहाँ तक बात है कि शराब पीने की बात है, उसके बारे में मैं पूरी कार्रवाई करूँगा, पहले तहकीकात करेंगे कि यहाँ कहाँ तक ये बात सत्य है। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी सरकारी कार्यालय में जाम छलकते रहे हैं, तस्वीरें सामने आती रही हैं और हर बार कार्रवाई का आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों में कोई डर नजर नहीं आता। हम खड़े हैं नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है कमिश्नर साहब की गाड़ी भी है। हम बता दें आपको कि रात को जो ये मामला था, रात को कुछ अनजान चेहरे ऑफिस में आते हैं, दारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं, जब हम प्रशासन को सूचना देते हैं तो उनके कान पर चू तक नहीं रेंगती इस मसले को। और जहां पुलिस प्रशासन आज 33 केस हो चुके हैं 25 दिन के अंदर अंदर, जिसमें एक केस उन्होंने सुलझाया है और 32 जो है नाकाम रही है पुलिस, और पुलिस प्रशासन पुलिस को भी सूचना दी जाती है, उनके एक एएसआई भी आ जाते हैं, लेकिन जब ऊपर से लेके आया जाता है तो उन्हें मिली भगत के कारण यहां से रफा दफा कर दिया जाता है। इसी विषय पर हमने कमिश्नर साहब से भी जानना चाहा, कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर इसमें कुछ संदिग्धता पाई जाती है तो मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। चलिए, तो सामने है तस्वीर, शराब की बोतलें नजर आ रही हैं और साथ ही साथ और भी बोतलें सोडा की नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर नगर निगम के कार्यालय पर ताला बंद है तो अंदर लोग क्या कर रहे हैं, और जो बाहर गार्ड बैठा है वो आखिर किस बात की पहरेदारी कर रहा है जब लोग अंदर हैं। इसके अलावा जब पुलिस आती है तो बिना मेडिकल के इनको क्यों जाने दिया जाता है, और अगर आपने तब मेडिकल नहीं किया तो बाद में क्या प्रूफ कर लेंगे। ये तमाम सवाल हैं जो हमको पूछने पड़ेंगे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पे। जितेंद्र, आपको कैसे जानकारी मिली और कितने बजे आप वहां पहुंचे दफ्तर में नगर निगम के, और वहां क्या हो रहा था? गौरव जी, मैं आपको बता दूं कि हमें जो है सूत्रों से जानकारी मिली है, पहले भी इस तरीके का
नगर कमिश्नर के ऑफिस में होता रहा है, लेकिन हम कई बार गए हैं, दिन में भी हमने देखा है, तो अचानक हमें शाम के 6:30-7 बजे के करीब हमारे सूत्रों से फोन आता है कि यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है। हम मौके पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि लाइट जली हुई है, कुछ अनजान लोगों की आवाजें आ रही है, उसके बाद गेट पर, मेन गेट पर लॉक लगा हुआ है। जब हम वहां के चपरासी से पूछते हैं कि इसके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं, तो वो देखते ही आश्चर्यचकित होता है और भागने की कोशिश करता है। हम बड़ी मुश्किल से उसको बुलाते हैं कि नहीं आपका कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बताइए, तो वो बोलता है कि नहीं मेरे तो कुछ मित्र हैं, मेरे साथी हैं जो ऊपर बैठे हैं। तो हमने जब उससे पूछना चाहा तो बिल्कुल एक ये लगा लीजिए उसके चेहरे के भाव उड़े हुए थे और वो इसकी भनक ऊपर भी जा चुकी थी। इसके बाद कुछ संदिग्ध चेहरे आ जाते हैं, लेकिन हमने अपनी मजबूती बनाए रखी और हम वहां पर खड़े रहे। जी ठीक है, तो पुलिस आई, उसके बाद आप लोगों ने फोन करके पुलिस को बुलाया था? जी, हमने सबसे पहले हमने सिटी थाने में फोन किया, उसके बाद उन लोगों ने उसको बिल्कुल ही अन्यथा में लिया, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हमने जिला उपायुक्त डीसी साहब को फोन किया, उन्होंने हमारा फोन उठाया, उन्होंने कहा कि मैं जरूर इसमें कुछ कार्रवाई करती हूँ। उसके बाद एक ASI आता है, उसके साथ हवलदार आता है, साथ में जो है थोड़ी देर बाद ही वहां पे एक्शन आ जाते हैं, राजेश कौशिक जो नगर निगम में है, और उनके साथ एक JE आता है, और वो धीरे धीरे हम लोगों को कोशिश करते हैं कि बैल भाई ये कुछ नहीं है, वो नया मुद्दा उठाते हैं कि बैल बांध रखा है, जो हम बार बार पूछ रहे थे। तो ASI जाता है, हमने कोशिश की कि हम आपके साथ चलते हैं, उन्होंने हमें रोक दिया, और वो एक एक करके उनको लाते हैं, लेकिन वो हमारे कैमरे में कैद होते रहे। और गौरव जी मैं स्पेशल बता दूं, उनके मुंह से इतनी स्मेल आ रही थी, उन पर चला नहीं जा रहा था, और वो लोग हमने जब बार बार कहा कि आप इनका मेडिकल क्यों नहीं करवाते, तो उन्होंने बिल्कुल अनजान बनकर हम खुद की तरह हमारे सामने खड़े रहे, और बड़ी सफाई के साथ पुलिस प्रशासन और इन लोगों ने मिलकर उनको एक एक करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये शराब की और सोडे की जो बॉटल्स हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कहां पे है, कहां शूट किया है आपने ये? जितेंद्र आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। ये शराब की बोतल कहां रखी हुई थी? देखिए, जैसे ही आप नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे, वहीं से साथ में ही चपरासी बैठता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है, उसके नीचे ही चपरासी लेके आता है, ऊपर से बोतलें और कुछ खाने पीने का सामान वो ला के नीचे रखता है, और ये सब वहां के। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ, सुरेश कुमार है, मेयर है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। मेयर साहब आवाज मिल रही है आपको? जी मिली सर। सर ये आपको पता था कि ऐसा नगर निगम कार्यालय में कुछ होता है? नहीं पता नहीं था, उसके बाद पता लगा जैसे अखबार में सुबह पढ़ा जी। ठीक है, अब आपको पता लग गया? हाँ। तो क्या कार्रवाई हो रही है? वहाँ कोई अधिकारी और कर्मचारी था, कोई चपरासी या चौकीदार था, वहाँ दारू नहीं पी रहे थे, वहाँ शराब नहीं पी रहे थे? ना, कोई सामान पड़ा था उनका ऐसा कोई। अच्छा, और ये शराब की बोतलें और ये सोडे की बोतलें जो दिख रही हैं ऑफिस के अंदर, वो कोई और ला के रख गया होगा? नहीं, वो चपरासी जो बैठता वही पहला पड़ी थी, वहां नहीं बैठा था उस टाइम, कोई दारू नहीं पी रहा था उसे, उसके थोड़ी देर अधिकारी हमारा एक्शन वहां मौके पे पहुंच गया था। सर तस्वीरें हमारे पास भी हैं, और उन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पहले गेट पे ताला लगा हुआ है, उसके बाद पुलिस आती है, ऊपर जाती है, और एक एक करके सब लोग नीचे आते हैं, उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं था ऑफिस में उस टाइम। तो वो कौन से लोग हैं जो ताला बंद होने के बावजूद अंदर है नगर निगम कार्यालय के अंदर बैठ के शराब पी रहे हो, कौन से लोग हैं? जो चपरासी था उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सर ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, चपरासी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, और जो लोग अंदर बैठे हुए थे? नहीं अंदर तो थे ही नहीं, कोई अधिकारी तो था ही नहीं अंदर। तो ये जो लोग अंदर से निकल के आए वो कौन लोग है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये से चपरासी के कोई मिलने वाले होंगे? ये चपरासी के मिलने वाले हैं लोग? हाँ, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं था निगम का कोई समंदर। तो इन लोगों की पहचान कर लिया आपने? नहीं पहचान नहीं करी, पहचान ये बताएगा, इसके खिलाफ लिख के भेज दिया है। सर हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास वीडियोस हैं जिसमें ये लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं, आप पहले पहचान करेंगे कि ये लोग हैं कौन? नहीं मैंने वीडियो नहीं देखी अभी तक, कौन है? वीडियो तो देखनी चाहिए सर आपको, आप वीडियो देखिए और बताइए कि ये कौन लोग हैं। नहीं वीडियो मैंने देखी नहीं, अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे जो उनके होगी खिलाफ। हमारे संवाददाता से आप ये वीडियो ले सकते हैं, हरियाणा न्यूज आपको, अगर आप जांच करना चाहते हैं तो आपको पूरा सहयोग करेगा, आप वो वीडियो ले सकते हैं, उन लोगों को देख सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें आप।
अगर उसकी वीडियो लेकर मैं अगर उसको देखते हैं कौन है उसमें कोई अधिकारी है कर्मचारी है कोई बाहर गाड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि कार्यालय कितने बजे बंद हो जाता है? 5 बजे गेट के में तो ताला लगा हुआ है शाम को 6:30-7 बजे और अंदर लोग हैं। नहीं आप सर ये बताओ कोई अधिकारी कोई कार्यालय में काम कर रहा है तो बताओ 5 बजे हो या 6 बजे भी 7 ही बज जाते अधिकारी वो काम तो लेट तक भी करते हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन मेन गेट पे ताला क्यों बंद है साहब? फिर कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिसके लिए आपको बाहर से ताला लगा के अंदर काम करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं ताला तो होगा छुट्टी जो अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ चौकीदार चपरासी बैठता है उसका कोई आदमी होगा अंदर आ गया होगा बाद में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट मेहर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो अंदर से बाहर निकल रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ ये चपरासी के जानने वाले हैं? चपरासी के जानकार होंगे अधिकारी कोई नहीं हमारा इसमें देखो तो आप। नहीं आप देखो ना साहब मुझे क्या मैं थोड़े ना पहचानता हूँ आप देखो मैं वही कह रहा हूँ आपसे आप वीडियो देखिए और उसके बाद अगर इसमें कोई आपका अधिकारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। हाँ तुरंत कार्रवाई होगी अगर हमारा अधिकारी और कर्मचारी होगा तो कोई समय। चलिए और ये आगे से सुनिश्चित करेंगे कि दफ्तर बंद होने के बाद मेन गेट पर ताला और अंदर लोग बैठ के जाम छलका रहे हैं ये ना हो। ये चिट्ठी जारी कर दी कमिश्नर साहब ने चिट्ठी जारी कर दी कल ही। अच्छा हाँ अच्छा एक बात और बताइए सर ये कितना खतरनाक है अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं वो आपके कर्मचारी नहीं है तो ये कितना खतरनाक है? अंदर पेपर्स होंगे बहुत सारे अंदर अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे और सरकारी कार्यालय के डॉक्यूमेंट्स वाले कार्यालय के अंदर लोग बैठे हैं वो अंदर शराब पी रहे हैं और बाहर से ताला बंद है और अगर वो कार्यालय के नहीं है तो और ज्यादा गंभीर है मतलब डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस किसी की भी है। मैं आपके संवाददाता से लेकर रिकॉर्डिंग आप देखता हूँ कौन सा अधिकारी है कर्मचारी है कोई बाहर का आदमी है ये देखो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ठीक एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए सर आप जी जी कि ये जो परिस्थितियां बनी इन परिस्थितियों में जो पुलिस वाले वहां आए क्या आपको लगता है कि उनको मेडिकल कराना चाहिए था? क्योंकि आप बाद में अगर मेडिकल कराएंगे तो कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा उस वक्त अगर उसने शराब पी रखी है जो जो लोग अंदर थे तो उनका उसी वक्त मेडिकल होना चाहिए था। और सर जिसको पुलिस को फोन किया हुआ वहाँ मौके पे पुलिस आई है तो पुलिस ने देखना चाहिए था मेडिकल करवाना ना करवाना तो पुलिस का काम था नहीं होना चाहिए था। हाँ तो पुलिस का काम था ना करवाना चाहिए था। सुरेश जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए था अगर वो शराब पी रहे थे तो? हाँ होना चाहिए था। चलिए नहीं हुआ पुलिस की गलती मानते हैं उस पुलिस ने पता क्यों नहीं करवा उसका पुलिस का काम था। चलिए बहुत शुक्रिया आपका आप जरूर वीडियो देखिएगा और अगर इसमें आपके ऑफिस के दफ्तर के ऑफिसर और कर्मचारी हैं तो कार्रवाई करेंगे आप ये हम उम्मीद कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब हम ये चर्चा करते हैं कि किसी सरकारी दफ्तर में लोग बैठकर शराब पी रहे हैं तो बहुत सारे सवाल अपने आप जहन में उठने लगते हैं। देवेंद्र कादियान साहब इनेलो के नेता हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। देवेंद्र जी हाँ जी हाँ जी इस सरकारी कार्यालय में शराब पी जाती है क्या इस बात की भनक इस बात के बारे में जानकारी पहले से भी वहां आप लोगों को थी? हाँ मुझे पता लगा कि पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज को बधाई देता हूँ कि आपने ये न्यूज प्रकाशित की इसको टेलीकास्ट किया। देखिए कि बहुत गलत बात है कि कमिश्नर के ऑफिस में और इस तरीके से संडे के दिन दारू पी जा रही है ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी। मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक का काम जहाँ होना चाहिए वो हो नहीं रहा जहाँ सफाई ग्रामीण क्षेत्र में पानीपत में। मेयर साहब ये कह रहे हैं कि वो हमारे ऑफिसर्स या हमारे कर्मचारी नहीं हैं। नहीं जो भी हैं वो उनके कर्मचारी हैं या नहीं है कोई पता लगे कोई कलरक है या जो भी है मैं तो ये कहता हूँ कि वो घुसे तो उनके चोरी का पर्चा दर्ज कराओ अगर वो डिपार्टमेंट के नहीं है तो ऐसे कौन किसी के ऑफिस में घुस चुका है।
अगर ऐसा उनके डिपार्टमेंट के नहीं है तो पर्चा दर्ज कराओ। अगर डिपार्टमेंट के नहीं है तो ये ज्यादा गंभीर और संगीन हो जाता है कि वहाँ डॉक्यूमेंट्स होंगे, सरकारी कागजात होंगे, उनके साथ छेड़खानी की जा सकती है, बहुत बड़ा कुछ धांधली हो सकती है किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो मैं समझता हूँ ये सरकार की नाकामी है और प्रशासन। अच्छा, एक आखिरी सवाल का और जवाब दे दीजिए देवेंद्र जी। मेयर साहब कह रहे हैं कि उस गार्ड के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये फ्रेंच कट में अच्छे कपड़े पहन के घूमने वाले लोग सिर्फ गार्ड के लोग होंगे और सिर्फ गार्ड की गलती है, या गार्ड की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो किसी को अलाउ कर दे इस तरह से अंदर जाने के लिए? ये देखती है, हाँ। कोई ये गार्ड की वो नहीं है लापरवाही, इसमें कहीं ना कहीं और भी डिपार्टमेंट के लोग जुड़े होंगे। खाली गार्ड के अकेला अपने आदमियों को ऐसे नहीं बिठा सकता, गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसे कर सके, किसी सीनियर ऑफिसर के रूम में बिठा के वो ऐसे दारू पिलाए और ऐसे काम करे। मैं नहीं समझता कि गार्ड इसमें दोषी। हाँ, अगर सरकार या प्रशासन अगर किसी एक को बलि का बकरा बना दे तो ये कहा नहीं जा सकता। आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमें सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि इसमें इस तरीके से आप कर रहे हैं, तो कल को किसी और डिपार्टमेंट में कहीं और जगह, तो आम जनता कहाँ सेफ हो जाएगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। आए दिनों चोरी पानीपत में इतनी डकैती चोरी हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, प्रशासन से, ये क्या हो रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका। तो आखिर सरकारी ऑफिस में बैठकर संडे के दिन छुट्टी होने के बाद, ऑफिस आवर के बाद की ये तस्वीरें हैं साहब, और मेन गेट पर ताला बंद है, अंदर कुछ लोग बैठ के शराब पी रहे हैं, पुलिस आती है और बिना मेडिकल कराए उनको जाने देती है। कौन कौन कसूरवार है? क्या आपको लगता है, क्या आप इस बात को पचा सकते हैं, हजम कर सकते हैं कि सिर्फ गार्ड के ऊपर कार्रवाई कर देना काफी है? क्या गार्ड अकेला कसूरवार है? और वहां जो अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उन तक अगर ये कर्मचारी नहीं है नगर निगम के, तो एक्सेस कैसे हो गई? ये तमाम सवाल हैं। किसी के ऊपर चोरी का पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? किसी के अंदर सरकारी कार्यालय में ट्रेस पासिंग का पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये तमाम सवाल हैं, और सवाल पुलिस पर भी है, प्रशासन पर भी है। उम्मीद करेंगे कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है ऐसा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।